अगर भाजपा को वोट देना, मोदी को वोट देना ही देशभक्ति है तो हम देशभक्त नहीं है। आप भेजिए हमें, कहाँ भेजना चला गया तो गिरफ्तार हो जाओगे, भेज दीजिए आप। इन चीजों से तो कैसे भी आगे नहीं बढ़ सकता है, फोटो लगाने से, और भगवान की फोटो हो चाहे केजरीवाल जी की फोटो लगे नोट पे, उससे देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। बयानों से लगता नहीं कि IITian है। अच्छा, IIT खड़गपुर के पढ़े हुए हैं ना, इनके लगता नहीं है ना, इनके काम से लगता है कि IIITian है, नहीं IAS अधिकारी रह चुके हैं, कुछ नहीं लगता इनका भाई। नमस्कार, मैं हूँ राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। दिल्ली के CM केजरीवाल ने आज एक बयान दिया है भारतीय करेंसी को लेकर, जो है कि महात्मा गांधी जी के साथ श्री गणेश और देवी लक्ष्मी की भी फ़ोटो होनी चाहिए, इससे देश की GDP भी अच्छी होगी और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। देश आर्थिक हालातों से जूझ रहा है, कई सारे उन्होंने कारण बताए हैं, और आइए जानते हैं कि इस पर दिल्ली की जनता जो उन्हें वोट करती है वो क्या सोचती है, कि क्या केजरीवाल का ये बयान कोई राजनीति को लेकर है या फिर सच में देश के हालातों को लेकर है। सर, क्या नाम है आपका? अनिकेत कुमार। अनिकेत जी, कहाँ से हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, दिल्ली में हो तो CM केजरीवाल का बयान मैंने अभी आपको बताया, क्या सोचते हैं इस पर? देखो, देश की GDP तो बढ़ेगी क्योंकि ना एक्चुअली इंडियंस आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स गॉड, मतलब एक रिलीजियस कंट्री है, सेकुलर जो भी बोले, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू जो है, मतलब एज अ पीपल वी आर इंक्लाइन टुवर्ड गॉड्स, तो गॉड की अगर फोटो रहती है तो मे बी अगर हमारे साइकोलॉजिकल में इम्पैक्ट डाल सकता है, तो इसका ये तो नहीं कि GDP बहुत ज़्यादा या उतना इन्फ्लक्शन आएगा, मेरे लिए पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। अच्छा, आप सोचते हो कि इससे देश के हालातों में सुधार होगा, विकासशील देश और होगा, तरक्की करेगा फोटो से? विकासशील देशों के लिए ना फोटो की कोई अहमियत, फोटो से कुछ नहीं होगा।
मान का समर्थन करता हूँ। मैं कहता हूँ जो पार्टी जो नेता देश को आगे लेके जाए, हमारे समाज को आगे लेके जाए, उससे बढ़िया कोई सरकार नहीं है, जो कि अभी अवेलेबल कोई भी नहीं है। तो वोट किसको करा आपने? वोट तो जिस टाइम आएगा हम करते हैं। 2014 से तो कर रहे होंगे, उसके पहले भी करा होगा। हमने नहीं किया था वोट। अच्छा। हाँ, 2014 में हमने नहीं। पीएम मोदी से उम्मीद नहीं है? पीएम मोदी से जो बीजेपी से उम्मीद नहीं, जो उम्मीद थी, जो अपेक्षाएं थी, वो बिल्कुल नहीं है। अब अपेक्षा पे खरे नहीं। आप इस देश के वासी नहीं हो अगर बीजेपी को वोट नहीं करते हो। अच्छा, हम देशद्रोही है कहने का मतलब? हाँ, ये है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर बीजेपी को वोट देना, बीजेपी को समर्थन देशभक्ति है, और बीजेपी को वोट नहीं देना अगर देशद्रोही कहलाता है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है सर, हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, हम देशद्रोही कहाँ भेजना चाहते हैं। हाँ, अगर बीजेपी को वोट देना ही देशभक्ति है, तो हम देशभक्त नहीं हैं। अगर भाजपा को वोट देना, मोदी को वोट देना ही देशभक्ति है, तो हम देशभक्त नहीं है। आप भेजिए, हमें कहाँ भेजना चला गया तो गिरफ्तार हो जाओगे। भेज दीजिए, आप भेज दिए सर, वीडियो तो आप बना ही रहे हैं ना, आप इसको चलाइए न्यूज चैनल पे। अगर मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर बीजेपी को वोट देना ही, मोदी को वोट देना ही, भाजपा को समर्थन करना ही देशभक्ति है, तो मैं देशभक्त नहीं हूँ। आप भेजिए, हमें कहाँ भेज रहे हैं। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल मेरा बताइए, क्या लगता है कि विकास के कार्यों में, जैसे दिल्ली सरकार है, स्वास्थ्य पे बात करती है, चिकित्सा पे बात करती है, स्कूलों पे बात करती है, मोहल्ला क्लिनिकों पे बात करती है, जैसे काम है, क्या लगता है कि मतलब बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? हाँ, इस हिसाब से देना चाहिए, आम आदमी को जागरूक होना चाहिए। हर किसी, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, जरूर शिक्षा पे बात करनी चाहिए, जरूर हॉस्पिटल पे बात करना चाहिए, जरूर स्वास्थ्य पे बात करना चाहिए। बिजली, पानी, ये सब हमारे रोज़मर्रा के जरूरत की चीज़ें हैं। इसी पे बात होना चाहिए, इसी पे काम होना चाहिए, इसी पे राजनीति होनी चाहिए, इसी पे वोट मांगा जाना चाहिए। ना कि हिंदू पे वोट मांगा जाना चाहिए, ना कि मुसलमान पे वोट मांगा जाना चाहिए। ये थी राजधानी दिल्ली की जनता की राय, जो सीएम केजरीवाल के बयान को कैसे देखती है। जाहिर है कि अब जल्द ही गुजरात चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले सीएम केजरीवाल का ये बयान राजनीतिक दांव बताया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी नेता भी इस पर खूब अपना बयानबाजी कर रहे हैं। मनोज तिवारी का बयान आया और संबित पात्रा का बयान आया, और वो कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, वो कहने के कुछ और करने के कुछ और हैं। और दिल्ली की जनता क्या सोचती है इस पर, वो आपने अभी सुनाई होगा। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, दिल्ली।